मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी की रिश्ते की नातिन की हत्या के सभी आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। ग्वालियर पुलिस ने फरार 6 आरोपियों को तेज तर्रार कार्रवाई के तहत राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली से हिरासत में ले लिया। पकड़े गए सभी आरोपियों को ग्वालियर लाया जा रहा है, जिनमें से 3 आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 10 जुलाई को कोचिंग से स्कूटी पर सवार होकर सहेली के साथ घर लौट रही 11वीं की छात्रा अक्षया यादव की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटना माधवगंज थाना अंतर्गत बेटी बचाओ चौराहे के समीप स्थित तिलक नगर रोड की है। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से भाग निकले थे। बताया जा रहा है कि हत्यारे अक्षया की सहेली को मारना चाहते थे, लेकिन अक्षया उनकी गोली का शिकार हो गई। अक्षया पूर्व डीजीपी की रिश्ते की नातिन थी, लिहाजा मामले ने तूल पकड़ लिया। पुलिस पर सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दबाव था। जिम्मा एडिशनल SP क्राइम राजेश दंडौतिया को सौंपा गया। इस मामले में पहली गिरफ्तारी मास्टरमाइंड 30,000 के इनामी फरार बदमाश सुमित रावत के बड़े भाई, 10,000 के इनामी बदमाश उपदेश रावत के रूप में हुई। उपदेश को पुलिस ने बुधवार को डबरा से गिरफ्तार किया था। गुरुवार सुबह एक बार फिर पुलिस ने प्रेस ब्रीफिंग कर खुलासा किया कि अक्षय हत्याकांड के सभी फरार आरोपियों को पकड़ लिया गया है। थाना माधवगंज के अंतर्गत 10 तारीख की लगभग 7:54 पर ये दो छात्राएं थी जो कि स्कूटी से अपने घर जा रही थी, सिकंदर कंपू, और तभी लगभग ये सिकंदर कंपू जो मस्कट हॉस्पिटल के पास वाली जो गली है, तिलक नगर वाली गली, वहाँ पर पीछे से 4 बदमाश एक बाइक पर आए और उनके द्वारा फायरिंग कर दी और 2 गोली फायर किए, और उसके करने के बाद वो मौके से भाग गए। और घायल जो छात्रा थी जो स्कूटी चला रही थी, उसको तत्काल जो पब्लिक की मदद से उसको हॉस्पिटल JS पहुँचाया गया, जहाँ पर उसकी डेथ हो गई। और इस डेथ हो गई उसके बाद से लगातार ये काफ़ी संवेदनशील विषय था, और इसमें लगातार पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री राजेश चंदेल सर के नेतृत्व में लगातार टीमें गठित की गई। इसमें क्राइम ब्रांच ने लीड करते हुए और टीमें बनाई गई, और इसमें घटना के कारणों पे और कौन कौन व्यक्ति इसमें आरोपी हो सकते हैं उसके लिए लगातार कोशिश की गई, जिसमें कि 2 लोग आइडेंटिफाइड हुए, जिसमें एक जो मुख्य आरोपी था उसके के लिए, उसकी गिरफ्तारी के लिए ADG सर के द्वारा 30,000 रुपये का इनाम किया गया था, और जबकि दूसरा आरोपी था जो कि नामजद आरोपी थे जिसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम किया गया था। उसके बाद से लगातार टीमें काम कर रही थी, और फिर अभी टीमों के क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा 2 आरोपियों को दिल्ली से हिरासत में लिया है और 3 आरोपियों को महाराष्ट्र से हिरासत में लेकर अभी आ रहे हैं, और एक आरोपी को कल जो 10,000 का इनामी था वो कल पकड़ लिया था। एक 30,000 का इनामी महाराष्ट्र से पकड़ा है, उसके साथ 2 अन्य साथी भी पकड़े हैं, वो भी रास्ते में है, ऑन द वे है, उनको भी लेकर आ रहे हैं, और एक आरोपी को राजस्थान से पकड़ा है। तो कुल मिलाकर इस प्रकरण में जो साजिश करने वाले लोग उनको भी पकड़ा है, और इसके अलावा जो 4 शार्प शूटर थे उनको भी क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया है। इसमें जो कहानी सामने आ रही है वो जो इसमें जो मेन आरोपी है जिस पर 30,000 का इनाम है, वो जो पीछे बैठी हुई थी छात्रा उसको मारना चाह रहा था, चूँकि उससे पहले उसकी मित्रता थी, तो फिर बाद में कुछ झगड़ा हुआ था, एक तरफा इसका प्रेम था जो कि इसके द्वारा भी पूछताछ से फिलहाल बताया गया है, और उसको लेकर के उसके द्वारा इस तरह की घटना की गई थी। उसने रंजिश मानते हुए इसको और बदला लेने के लिए उसके द्वारा ये घटना की गई थी अपने मित्रों के साथ मिलकर। फिलहाल 7 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, 1 को गिरफ्तार कर लिया गया है, इनसे और पूछताछ की जा रही है। इसमें जो घटना की गई थी उस समय एक बाइक पर चार सवार थे, और दूसरी एक बाइक और थी जो कि साइड में ही खड़े हुए थे, वो कुछ दूरी पर, उसमें 2 लोग थे और एक प्लानिंग में शामिल था। तो कुल मिलाकर 7 आरोपियों को पुलिस ने, 1 को गिरफ्तार कर लिया, 7 6 को हिरासत में लिया गया है। घटना में प्रयुक्त जो वेपन्स थे, वेपन्स की रिकवरी की जा रही है।